आन देश की शान देश की हम संतान हैं, तीन रंगों से रंगा तिरंगा अपनी ये पहचान है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका महोबा न्यूज़ के इस खास शो हैप्पी बर्थडे नेशनल फ्लैग पर। मैं आपके साथ हिमांग चंद्र। आज इस खास शो में हम आपको भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के इतिहास से रूबरू कराएंगे। किसी भी देश का राष्ट्रीय ध्वज उस देश के राष्ट्रीय भावनाओं का प्रतीक होता है। हर देश का राष्ट्रीय ध्वज अपने देश की जाति, धर्म और भाषा का प्रतिनिधित्व करता है और भारत के राष्ट्रीय ध्वज में यह सभी विशेषताएं उपलब्ध हैं। 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया था। 22 जुलाई 1947 से पहले भारत का कोई भी राष्ट्रीय ध्वज नहीं हुआ करता था। अगर हम भारत के इतिहास पर नज़र डालें तो आज से 2300 वर्ष पूर्व मौर्य साम्राज्य का अधिकार लगभग पूरे भारत में था। इसके बावजूद भी भारत का कोई भी राष्ट्रीय ध्वज नहीं हुआ करता था। 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य का अधिकार लगभग पूरे भारत में था। उस समय भी भारत का कोई भी राष्ट्रीय ध्वज नहीं हुआ करता था। आज़ादी से पूर्व भारत में लगभग 562 से ज़्यादा रियासतें हुआ करती थीं और इन सभी रियासतों के अलग अलग ध्वज हुआ करते थे। जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था उस समय भारत का झंडा यूनियन जैक हुआ करता था और इस झंडे से ना तो भारत के कोई इतिहास से और ना ही कोई संस्कृति से लेना देना था। जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो उस दिन यूनियन जैक को अलग करके तिरंगे को लगाया गया और इस रस्म में ब्रिटिश भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन भी मौजूद थे। यूनियन जैक को उतरते देख लॉर्ड माउंटबेटन काफ़ी भावुक हुए। इसके बावजूद उन्होंने तिरंगे को सैल्यूट किया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को डिज़ाइन करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान स्वतंत्र संग्राम सेनानी पिंगली वेंकैया का रहा था। पिंगली वेंकैया ने वर्ष 1916 से लेकर के 1921 तक 30 देशों के राष्ट्रीय ध्वज पर गहराई से शोध किया था। वर्ष 1921 में कांग्रेस के सम्मेलन में पिंगली वेंकैया ने अपने द्वारा डिज़ाइन किए हुए ध्वज को सबके सामने पेश किया था। पिंगली वेंकैया के द्वारा बनाए गए ध्वज में मुख्य रूप से लाल और हरा रंग था। लाल रंग हिंदू और हरा रंग मुस्लिम समुदाय को प्रतिनिधित्व करता था। गांधी जी ने झंडे के बीच में चरखा शामिल करने की सलाह दी थी क्योंकि चरखा उस समय अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का प्रतीक हुआ करता था। वर्ष 1931 में कांग्रेस ने अपने वार्षिक सम्मेलन में तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया था, लेकिन इस ध्वज में लाल रंग की जगह उन्होंने केसरिया रंग को शामिल किया था। केसरिया रंग को हिम्मत, त्याग और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र को शामिल किया गया है। अशोक चक्र को धर्म चक्र भी कहा जाता है। इस धर्म चक्र का इस्तेमाल मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक ने किया था। ये धर्म चक्र सम्राट अशोक के भारत के विशाल सीमाओं का प्रतीक है। वैसे यह बड़े दुख की बात है कि हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज को डिज़ाइन करने वाले पिंगली वेंकैया जी को हमारे देश ने भुला दिया है। इसलिए आज हमने पिंगली वेंकैया जी के इस महत्वपूर्ण योगदान को आप सबके सामने प्रस्तुत किया है ताकि हमारे देश की युवा पीढ़ी को भी भारत के राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास के बारे में मालूम चल सके।